मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। धनबाद के निबंधन कार्यालय के समीप तब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब कई लोग एक दूसरे पर जमीन की खरीद में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाने लगे। बीच सड़क पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। मेरा कहना है जो सिक्वी दखल जमीन जो है, सिक्वी दखल जमीन जी, जिसका जमीन जो है वो बोला मेरा जमीन छोड़ दो। सीओ के पास गए, वीडियो के पास गए, सीए के पास गए, कर्मचारी के पास बोले, बोले तुम्हारा पास कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट में चढ़े तो बोला तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो हम बोले जिसका जमीन है हम उसको छोड़ दिए। जमीन जमीन किनके नाम पे है? मुसलमान को है। कहाँ पे है जमीन? जमीन है भंगाड़ में। तो अभी यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस किस लिए आए? रजिस्ट्री ऑफिस हम लोग आए देखने वास्ते। जी लोग बोला जबरन अशोक हमको बोला जो जा देखो तुम्हारा इस तरह हो रहा है। रमेश भगत बोल रहा है जो हमको जमीन तो लिख दो। हमको बोल रहा था कल 10 लाख देंगे रुपया। हम बोले तुम्हारा रुपया नहीं देना है, ले जमीन हमको देना। जिसका जमीन है वो तुम्हारा रजिस्ट्री करके दे देगा, उसी को होगा। तो जमीन उनका है क्या वो? हाँ मियाँ लोग का। तो आप लोग क्यों लड़ रहे हैं फिर? हम लोग क्या बोल रहा है जो तुम जमीन को क्यों रखा? हम बोले हमारा जमीन को मतलब ही नहीं है, जिसका जमीन है उसको हम अधिकार छोड़ दिए। अच्छा तो मारपीट फिर किस लिए हुआ जब छोड़ दिया था? जब तुम मारपीट करने आया जब तय हमको दो तो हम बोले कहाँ से देंगे? उससे बोलो जिसका जमीन है तो जमींदार को बोलो। हम लोग का केस चलता है थाना में। दूसरे का इन लोग का जमीन है, दूसरा आदमी नहीं ठीक कर रहा है, घुसपैठी किया जा रहा है। यहाँ पे ही कमी ना मार गंदा गंदा गाली दिया है और ये लोग सब मिलके गाली दिया है। कौन था वो? शर्मा है, शर्मा है, ये है मंडल है। तो 5 साल मेरा बाबा जी रहा, उसके बाद 70 साल से मेरा मम्मी रहा। मेरा मम्मी 70 साल से अभी भी रहा। उसके बाद अभी 1 साल दिन हुआ इन लोग मेरा और जो अगला पार्टी जो बोल रहा है कि हम लोग का जमीन है, हम बेचेंगे चाहे कुछ भी करेंगे, ठीक है आपको जमीन है तो आपको कागज दिखाइए, आपको जमीन है तो हमको कागज पत्र सब दिखाइए कि नहीं दिखाइए। चुप रहिएगा आप। रजिस्ट्री ऑफिस में क्या हुआ? रजिस्ट्री ऑफिस में हुआ है क्या वाला हम क्या करता है, हम लोग घर बना लेता है। मेरा बाउंड्री दो बेर तोड़वा दिया इन लोग। तो चाची में दो बेर तोड़वा दिया तो जाके फिर बोले कि क्या बात है, नहीं सुनवाई नहीं कर रहा थाना में, एक जरा नहीं सुनता हम लोग के बात। जो 70 साल से हम लोग रखे हैं तो हम लोग बेच नहीं रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं। आज जो अगला पार्टी बेच दिया है, मेरा चाचा सर लाल कमर के 5 भाई मारपीट क्यों? मारपीट क्यों हुआ? मारपीट क्यों हुआ? अरे मारपीट क्यों हुआ बोलिए ना। मेरा मम्मी सबके हुआ परेशान करके रखा है, जमीन धसा दिया। यहाँ मारपीट क्यों हुआ? यहाँ यही हुआ कि हम लोग को थाना बुलाया, मंडल के भी बुलाए, थाना बुलाए, क्या किया सब मीटिंग बना रहे, गवाही में बता दिया, मेरा चाचा से ले आया।
तो चप्पल से भी अभी चप्पल से मारपीट भी हुआ आप लोग का? चप्पल डंडा से? चप्पल डंडा से क्यों मारपीट हुआ? अच्छा, कोई गाली गुलौज हो रहा था क्या? हाँ, देना चाहिए ना। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।